जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो शराब के नशे में पूर्ण रूप से डूब चुका है? चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, आपके पिता, पति या फिर आपके बच्चे ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप चाहते हैं कि उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाए, यानी कि एक व्यक्ति के शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशे करने की वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको सबसे आसान भाषा में और छोटे रूप में बताने का प्रयास करूंगी। पूरे मन से आप इस उपाय को कीजिएगा जरूर। श्रद्धा और विश्वास में इतनी अपार शक्ति है दोस्तों कि ये उपाय एकदम 100% काम करने वाला है। ध्यान से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप या तो आप सुन लीजिए या फिर आप पहले से ही कॉपी पेन लेकर बैठे, और अगर ऐसे में आप कॉपी पेन में भी नहीं लिख पाते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन करना क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है और सुनना है। वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने जीवन को फिर से संवारना चाहती है। राम बाण साबित होगा ये उपाय। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने शराबी पति से परेशान हैं, तो दोस्तों हनुमान कथा के दौरान एक महिला ने गुरुजी से एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न उन्होंने किया कि उनका पति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीकर बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सब जगह दिखा लिया है, दवा दारू तंत्र मंत्र हर किसी का सहारा ले चुके हैं, पंडितों तक जा चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में जो है शराब उनके पति से छूट नहीं पा रही है, शराब पीना बंद नहीं हुआ है। तब गुरुजी ने इस प्रश्न का क्या सुंदर जवाब दिया और क्या उपाय बताया, वही मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जो व्यक्ति शराब, जुआ, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते हैं, उनको 7 दिन लगातार ये काम करना है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो उसे बता भी सकते हैं या फिर आप उनसे छुपा कर भी ये उपाय उनके लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर वो खुद से ही सुधरना चाहते हैं तो वो स्वयं, वो व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है जो शराब पीता है, अन्यथा उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बस इस उपाय की एक ही शर्त है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, भूल कर भी इसमें गलती ना करें। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय में आपको क्या चाहिए। बेल पत्र की अगर आपको जड़ मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा दोस्तों, और अगर ना मिल पाए तो ऐसे में बेल पत्र की जो छाल होती है उसे भी आप ले सकते हैं। आप किसी भी दिन आप इसे अपने घर लेकर आ जाएं और इसे आप सिलबट्टे पर महीन पीस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलबट्टा अगर ना हो तो ऐसी स्थिति में आप पत्थर के ऊपर इसे महीन पीस लें, लेकिन मिक्सी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। इसके बाद इसकी एक गांठ का आप पूरी तरीके से पीस करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और इसके बाद इसी पेस्ट से आपको 7 गोलियां बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको महीन पाउडर पीसने के बाद पेस्ट के रूप में उसे पानी डालकर आप कर लीजिए और उसकी 7 गोलियां बनाकर तैयार करिए। उसके बाद आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ शिव शंभू यानी कि भगवान शंकर ही कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने स्वयं बताया है। इसके लिए कोई तिथि मुहूर्त की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि 7 गोलियां जो मैंने आपको बताई है उनको महादेव के शिवलिंग पर आपको रखनी है। एक चीज का ध्यान रखें कि 7ों गोलियां आपको एक ही स्थान पर नहीं रखनी है, बल्कि शिवलिंग के अलग अलग स्थान पर आप एक एक गोली को रखेंगे। फिर आप दोनों हाथ जोड़कर वहीं पर बैठकर बाबा कंठेश्वर महादेव का नाम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा, नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, कंठेश्वर महादेव का आप ध्यान लगाएं, उनका जाप करें, 5 मिनट तक गोलियों को वहीं रखे रहने दें, 108 बार आप इस नाम का जाप कर लें, फिर भगवान से अनुमति लेकर गोलियां वापस लेकर अपने घर आ जाएं। अनुमति लेते वक्त आपको क्या बोलना है ध्यान से सुनिए कि मैं तंबाकू, गुटखा, शराब छुड़ाने के उद्देश्य से इन गोलियों को आपके शिवलिंग पर अर्पित करके वापस आपका आशीर्वाद लेकर इसे वापस लेकर जा रहा हूँ। मेरा
मेरा ये काम हो जाना चाहिए, भगवान आपकी कृपा होगी तभी ये काम उपाय काम कर पाएगा। फिर उस व्यक्ति का जो खाना है उस खाने में आप चाहे तो मिला दीजिए या किसी भी रूप में आपको 7 दिन तक लगातार इन गोलियों को खिलाना है। ध्यान रखें कि ये जो क्रम है वो टूटे ना, 7 दिन लगातार आपको जो है गोलियां खिलानी है, उस व्यक्ति को पता चले या ना चले ये चीज आपकी जिम्मेदारी है। इस उपाय में आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और 7 दिन के अंदर आप खुद देखेंगे कि वो व्यक्ति शराब, गुटखा, सिगरेट, अगर किसी भी प्रकार की बुरी प्रवृत्ति उस व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति उस चीज से नफरत करने लगेगा। 7 दिन के अंदर ही आप इसका परिणाम देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा दोस्तों, प्रयोग करने के बाद ही आपको पता लगेगा। फ्री में जानकारी है दोस्तों और फ्री का ही उपाय है, तो क्यों ना एक बार कर लिया जाए। पूरे मन और विश्वास के साथ करेंगे तो 100% ये उपाय काम करेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।